आमना सामना मीडिया में सभी दर्शकों का स्वागत है। शिवसेना के कद्दावर लीडर, राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, दैनिक सामना के एग्जीक्यूटिव एडिटर, शिवसेना के स्पोक पर्सन संजय राउत अपने सियासी मुखालफिन को जवाब देने का हुनर जानते हैं। चाहे पीएम मोदी हो, माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हो, मुखालिफ जमात के दिग्गज नेता हो या कोई फिल्मी भांड, आप हमारा इशारा समझ ही गए होंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे और शिवसेना के लिए संजय राउत धनुष्य बाण का काम करते हैं, जो शिवसेना की निशानी भी है। संजय राउत जिनके निशाने से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। गुज़िश्ता 24 घंटों में संजय राउत ने जो निशाने लगाए हैं मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए, वो आपको बताते हैं। पहला निशाना फिल्म अदाकारा कंगना रनौत के मामले को लेकर है। संजय राउत ने ट्वीट करते हुए कहा कि अदाकारा ने मुंबई पुलिस को माफिया और मुंबई को पीओके यानी पाक मकबूजा कश्मीर कहा। क्या पार्टियां जो अदालत के हुक्म पर पुरजोश है, अदालतों और जजों के बारे में बेहिस तबसरा तोहिन का बास बनता है। जब महाराष्ट्र के बारे में कोई इस तरह के तबसरे करता है तो क्या ये बदनामी नहीं है? ये सवाल संजय राउत ने खड़ा किया। दूसरा जोरदार निशाना संजय राउत ने अपने ट्विटर पर एक कार्टून पब्लिश करके सीबीआई और ईडी पर लगाया है। कार्टून में आप दो कुत्ते देख सकते हैं। सीबीआई और ईडी महाराष्ट्र की तरफ बढ़ रहे हैं। ईडी सीबीआई से अचानक कहता है, रुक, अभी तय नहीं है किसके घर जाना है। एक बड़ा तंज है मोदी सरकार सीबीआई और ईडी पर। ये कुत्ते किसके हैं हमें यह संजय राउत को बताने की कतई जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र की जनता बुद्धिजीवी है। तीसरा निशाना संजय राउत का मरकजी सरकार की किसान मुखालिफ पॉलिसी पर, जिस पर संजय राउत ने किसानों के हक में प्रेस को बयान देते हुए कहा कि जिस तरह से किसानों को दिल्ली में दाखिले से रोक दिया गया, ऐसा लगता है जैसे उनका ताल्लुक इस मुल्क से नहीं है। इनके साथ दहशत गर्दों की तरह सुलूक किया गया है। चूंकि वो सिख है, वह पंजाब और हरियाणा से आए हैं, उन्हें खालिस्तानी कहा जा रहा है, ये किसानों की तौहीन है। दर्शकों को हम बता दें कि संजय राउत ने दो दिन कबल एक इंटरव्यू महाराष्ट्र के वजीर आला उद्धव जी बाला ठाकरे का लिया था। वो बहुत ही चर्चा में है, जिसमें महाराष्ट्र सरकार के कामों और मुश्किलात को पेश किया गया है। इंटरव्यू के दौरान शिवसेना के तर्जुमान संजय राउत ने जितने सुलझे हुए अंदाज में सवाल किए, उतने ही बेहतर अंदाज में मुख्यमंत्री महाराष्ट्र उद्धव जी बाला साहब ठाकरे ने जवाब दिए हैं। इस इंटरव्यू को शिवसेना के तर्जुमान सामना की वेबसाइट samna.com और यूट्यूब चैनल पर पब्लिश किया गया है, जिसका उन्वान है महाराष्ट्र अभिव्यक्ति स्वतंत्र और हल्ले, महाराष्ट्र में इजहार राय की आज़ादी पर हमले, जिसके दो प्रोमो भी जारी किए गए थे। इस प्रोमो की एक झलक आमना सामना मीडिया इस वीडियो के आखिर में दिखाएगा। मुकम्मल इंटरव्यू के लिए आपको सामना के चैनल और वेबसाइट पर जाना होगा, जिसकी लिंक हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आम्ही सुधू शकतो। कसं वाटतं आपल्याला मुख्यमंत्री म्हणून महाराष्ट्राचे? महाराष्ट्र हे मोठं राज्य, महाराष्ट्र आत्मनिर्भर कधी होणार? महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री फक्त हात धुवा सांगण्यापलीकडे काय करतो? ठीक आहे, हात धुतो आहे, जास्त अंगावर आलं तर हात धुवून मागे लागेल। तुमच्या जीवनात वर्षभरात काय बदलले? की हे असे विकृत बुद्धीचे चाळे तुम्ही करू नका, कारण विकृती ही विकृती असते। तेव्हा आव्हान मिळतं तेव्हा मला जास्त स्फूर्ती येते। कोणी किती आडवे आले तरी त्या आडवे येणाऱ्यांना आडवं करून महाराष्ट्र पुढे जाईल।